आज की क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के और ये एम एल अग्रवाल बुक में से हैं ठीक है थीके? तो क्या कहते हो स्टार्ट करें देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भाई ऐसे है ए पावर एक्स के एडिशन में बी पावर एक्स इसकी होल पावर टू डिनोमिनेटर में ऐसे करके लिखा हुआ है ए पावर एक्स और बी पावर एक्स और यहाँ पे है डी एक्स ठीक है इस तरीके का ये क्वेश्चन है तो क्या कहते हो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें न्यूमरेटर में हम ओपन कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दें न्यूमरेटर में तो अगर आप न्यूमरेटर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर बनेगा इंटीग्रेशन ए एक्स को स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने का मतलब है ए पावर एक्स के साथ में ए पावर एक्स टू ए बी करना है तो एडिशन में टू इंटू ए पावर एक्स इंटू में बी पावर एक्स और बी एक्स की पावर टू करनी है तो बी पावर एक्स मल्टीप्लाई बायर एक्स डिग्री टू ना लिखते हुए ऐसे लिख रहे हैं एंड साथ में अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको मालूम है कि जो ए एक्स और बी एक्स है ये इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट होगा सही बात है जो थ्री टर्म्स हमने नोट करी हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके तीनों टर्म्स के साथ में सेपरेट हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई ये है ए पावर एक्स के साथ में बी पावर एक्स यहाँ पे भी आएगा ए पावर एक्स के साथ बी पावर एक्स और यहाँ पे भी आएगा ए पावर एक्स के साथ बी पावर एक्स और यहाँ पे डी एक्स जरा ध्यान से देखो कुछ कटपिट होता है क्या इसमें तो देखो ये वाली वैल्यू कट होती है ये तो यहाँ पे पूरा ही कट हो गया है और इधर ये वाला वैल्यू कट होता है तो रिमेनिंग है आपके पास ए पावर एक्स के डिनोमिनेटर में बी पावर एक्स फिर एडिशन में है टू और इसके एडिशन में बी पावर एक्स के डिनोमिनेटर में ए पावर एक्स और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ठीक है ये ए पावर एक्स और बी पावर एक्स में काम करो पावर को कॉमन कर लो तो ये बनेगा ए अपॉन बी की टोटल पावर एक्स फिर एडिशन में सिंपल टू रहेगा एडिशन में यहाँ पे पावर कॉमन कर लो तो बी अपॉन ए की टोटल पावर एक्स और यहाँ पे ऐसे डी एक्स अब जो a पावर x है आप मुझे बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है इसका व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x a पावर x ओपन लॉग a होता है राइट right? अगर ये क्वेश्चन 2 पावर x होता इंटीग्रेशन करना होता 2 पावर x का तो आंसर नोट करते 2 पावर x के डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ 2 तो यहाँ पे 2 की जगह पे a अपॉन b लिखा हुआ है तो बस 2 की जगह पे a अपॉन b करके नोट कर दो ये बनेगा ऐसे करके a अपॉन b की टोटल पावर x के डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ ब्रैकेट में ही लिखेंगे ए अपॉन बी फिर टू का इंटीग्रेशन टू इन टू एक्स और ये बी अपॉन ए की टोटल पावर एक्स के डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिख देंगे बी अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज अब आपकी इच्छा यहाँ पे आप चाहे सी लगा लो चाहे के लगा लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन को आप समझो कहीं कोई डाउट है तो बताओ ठीक है वेरी बेसिक क्वेश्चन इज देर एनी डाउट टू एनी वन सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है और आपको तो मालूम ही है इन क्वेश्चन में जो हिडन बेस होता है वो क्या होता है बताओ ज़रा वट विल बी दी हिडन बेस तो हिडन बेस ई रहेगा यानी कि इधर भी ई e होगा इधर भी ई e होगा और इधर भी ई e होगा और आपको ये प्रॉपर्टी भी मालूम है कि अगर हमारे पास लॉग एक्स है और इसके बेस पे एक्स है ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है तो इसका टोटल आंसर वन होता है यस और नो टोटल आंसर कितना होता है वन होता है तो अगर टोटल आंसर वन होता है तो आपको प्रॉपर्टी याद है जिसके अंदर मैंने इनको इंटरचेंज करना बताया था कि भाई इनको इंटरचेंज कर दो फटाफट है ना इनको भी आपस में इंटरचेंज कर दो और इनको भी आपस में इंटरचेंज कर दो तो आपके पास आप ये वाला स्टेप आएगा इंटीग्रेशन इंटरचेंज करेंगे तो ए की पावर पे एक्स के साथ में लॉग है बेस ई e है यहाँ पे ई e है फिर एडिशन करेंगे एक्स बेस पे आ जाएगा यहाँ पे ए है फिर लॉग है बेस ई e है और ई e ऊपर चला गया तो ई e आ गया फिर माइनस में ए बेस पे आएगा पावर ए है ठीक है ना ए के साथ में लॉग है बेस ई e है और जो ई ऊपर शिफ्ट करा वो है और इसका इंटीग्रेशन करना है लॉग ई e इस वाली प्रॉपर्टी से हर जगह पे वन हो जाएगा तो यानी कि आप इसको नोट करेंगे इंटीग्रेशन सिंपल सा ए पावर एक्स यहाँ पे सिंपल एक्स पावर ए और यहाँ पे सिंपल ए पावर ए और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया गया है ए पावर एक्स अपन में लॉग ए हो जाएगा एक्स की पावर ए यानी एक्स की पावर एन पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास x की पावर पे a प्लस वन के डिनोमिनेटर में a प्लस वन ये a और a क्या है a की पावर a क्या है सिंपल सा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉन्स्टेंट इंटू में वेरिएबल यानी कि x इंटू में a पावर a और एडिशन में चाहे c लिखो चाहे k लिखो बात बराबर है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ठीक है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है जो ये है आप देखिए कहीं कोई इशू है तो मुझे बताइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आप ट्राई करो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करो कहते हैं एफ़ डैश एक्स जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है फोर एक्स पावर थ्री है माइनस में सिक्स है साथ में कंडीशन दी हुई है एफ ओफ़ जीरो थ्री है ठीक है एफ ओफ़ जीरो थ्री है तो ज़रा पता करिए एफ एक्स क्या है ठीक है पता करिए एफ एक्स क्या है, है? ट्राई करिए एक बार आप कर पाते हैं है ना तो आपको इसके अंदर मेन फंक्शन पता करना है फंक्शन क्या बनेगा तो मेन फंक्शन पता करने के लिए इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो सॉल्यूशन में आप नोट करोगे आपको इंटीग्रेशन करना है एफ डैश एक्स का और वेरिएबल क्योंकि एक्स है तो dx के रिस्पेक्ट पे ठीक है ये जो आंसर बनकर आएगा ये आपके पास एफ एक्स बनकर आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया एफ एक्स इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ फोर इंटू एक्स पावर थ्री माइनस में सिक्स ऑफ डी एक्स फोर एक्स पावर थ्री का इंटीग्रेशन आपने लिखा होगा एक्स पावर फोर क्योंकि फोर और फोर तो कट हो जाएगा तो एक्स पावर फोर और इसके साथ में नेगेटिव कर दिया होगा सिक्स इंटू एक्स और एडिशन में के और यह है आपके पास एफ एक्स का वैल्यू ये अभी इनकम्प्लीट आंसर है इस आंसर को कम्प्लीट करने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो आंसर आपका थ्री है राइट right? एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो टोटल एफ एक्स का जो आंसर है वो क्या बनेगा टोटल थ्री बनेगा तो ये वाला एफ एक्स है एफ एक्स की जगह पे थ्री इज इक्वल टू ये भी जीरो ये भी जीरो तो सिंपल सा के रिमेनिंग होगा तो के का वैल्यू थ्री है ये जो के का वैल्यू है इसको यहाँ पे वापस सब्सिट्यूट करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा भैया एफ एक्स जो है ये कुल मिला करके एक्स पावर फोर माइनस में सिक्स इंटू एक्स एडिशन में थ्री है सही बात है समझ गए हैं आप बात को इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे आपको दिया हुआ है एक्स पावर सिक्स प्लस एक्स पावर टू प्लस से बड़ा है तो आपको इसके अंदर डिवाइड अप्लाई करना पड़ेगा तो जब डिवाइड कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा तो आप इसको लिखेंगे भैया एक्स पावर टू एडिंग वन है साथ में यहाँ पे एक्स पावर सिक्स एडिंग वन है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एक्स पावर कितना एक्स पावर फोर ठीक है ना एक्स पावर सिक्स को अगर हम एक्स पावर टू से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स पावर सिक्स माइनस टू यानी कि टोटल एक्स पावर फोर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स पावर सिक्स और साथ में यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर फोर लेकिन साइन चेंज करके नोट करेंगे तो साइन चेंज करके नोट करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये कैंसिल हो गया इसको पहले नोट करेंगे माइनस एक्स पावर फोर और ये वाला एडिशन वन सेम दोबारा इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो माइनस में एक्स पावर टू होगा ठीक है यहाँ पे आएगा माइनस में एक्स पावर टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं यहाँ पे फोर आएगा इधर इधर यहाँ पे फोर आएगा और इधर माइनस एक्स पावर टू आएगा साइन चेंज करेंगे प्लस और प्लस ये कैंसिल ये रिमेनिंग रह गया है एक्स पावर टू एडिशन वन इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एडिंग वन होगा तो एक्स पावर टू और वन होगा साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस ये दोनों की दोनों वैल्यू कैंसिल रिमाइंडर जीरो है ठीक है बाई चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर जीरो है वरना काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं होता है लेकिन अगर इसमें रिमाइंडर जीरो है तो सिंपल सा मतलब है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमेनिंग है तो अगर ये रिमेनिंग है तो आप इसको नोट करेंगे भाई इंटीग्रेशन करना है अपने को एक्स पावर फोर माइनस एक्स पावर टू एडिंग वन का तो क्या आप इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई अब तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया ना इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री और इसका इंटीग्रेशन एक्स और लास्ट में के एडिंग कर दिया यह आपका आंसर आ गया ठीक है ना दिस इज़ द आंसर वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन ठीक है भाई फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन करिए थ्री के डिनोमिनेटर में सेवन माइनस में फाइव इंटू एक्स की टोटल पावर थ्री का ठीक है भाई इस तरीके का क्वेश्चन है ये तो आप मुझे एक बात बताइए जो पावर के अंदर लिखा हुआ है वो एक लीनियर फैक्टर है ना सिंपल सा अगर वो एक लीनियर फैक्टर है तो आप इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो वन के डिनोमिनेटर में एक्स पावर थ्री है तो क्या आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता है वन बाई एक्स पावर थ्री पावर को पहले नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव में एडिंग वन करेंगे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे तो इसका आंसर बनेगा क्या पहले बनेगा ये x पावर माइनस थ्री फिर एडिंग वन करेंगे तो x पावर माइनस टू के डिनोमिनेटर में माइनस टू इसको और बढ़िया तरीके से नोट करेंगे माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स पावर माइनस टू के अपॉन में टू इसको पॉजिटिव पावर पे लेके जाएंगे तो माइनस वन के डिनोमिनेटर में टू इंटू एक्स पावर टू तो क्या इसका इंटीग्रेशन यही आएगा

तो ये जो आंसर हमने फाइंड किया है इस आंसर को डिवाइड कर देंगे माइनस फाइव से और फिर ये वाला माइनस कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 वन विल विल बी बी ठीक है 5 विल 10, और इसके साथ में सेवन माइनस में फाइव फैक्स की टोटल पावर टू एडिशन में सी समझ पाए या आप या नहीं समझ पाए इसके बाद में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है आपको वैल्यू एक्स ठीक है वैल्यू एक्स के डिनोमिनेटर में ये है थ्री माइनस में एक्स पावर टू की टोटल पावर फोर ऑफ डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है ठीक है वैल्यू एक्स के डिनोमिनेटर में थ्री माइनस में एक्स पावर टू की होल पावर फोर इस वाले क्वेश्चन को ऐसा ट्रीट मत करना इस वाले क्वेश्चन में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहां पे सब्सटीट्यूट किया जाएगा ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है सही बात है जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है इसका डेरिवेटिव का कुछ फैक्टर ऊपर है तो इस वाले को हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे

क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स का आंसर बनेगा माइनस माइनस पहले शिफ्ट करा माइनस ऑफ डी टी टू एक्स को डिवाइड कर दिया यहाँ पे टू एक्स आ गया अब यहाँ पे वैल्यू नोट करेंगे इंटीग्रेशन से एक्स सेम रहेगा डिनोमिनेटर में t माना हुआ है तो टी पावर फोर के साथ में डी एक्स है डी एक्स का वैल्यू माइनस में डी टी है डिनोमिनेटर में टू इंटू एक्स है ये एक्स वैल्यू एक्स वैल्यू कैंसिल हो गई वन बाई टू को बाहर कर लेते हैं तो रिमेनिंग रहेगा वन अपॉन में टी पावर फोर ऑफ डी टी में टी पावर फोर डी टी क्या होता है पहले ये माइनस फोर होगा माइनस फोर में एडिंग वन करेंगे माइनस थ्री होगा तो आप लिखेंगे माइनस में वन बाई टू है साथ में टी पावर माइनस थ्री है डिनोमिनेटर में माइनस थ्री है और एडिंग में सी है इसको थोड़ा शिफ्टिंग करना पड़ेगा ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए और दोनों मल्टीप्लाई होकर वन बाय सिक्स हो जाएंगे तो वन बाय सिक्स के साथ में इसको प्लस में लेके जाएंगे तो वन बाय सिक्स टी पावर थ्री और एडिंग में सी तो वन के डिनोमिनेटर में सिक्स है सिक्स के साथ में टी की वैल्यू थ्री माइनस में एक्स पावर टू है टोटल पावर थ्री है एडिंग में सी है कहीं कोई इशू है तो बताइए इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वन के डिनोमिनेटर में ठीक है वन के डिनोमिनेटर में ए ए में एडिंग है बी फिर ई e, और फिर यहाँ पे सी एक्स ठीक है भाई ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन के डिनोमिनेटर में ए के साथ में बी ई e की पावर सी एक्स ऐसे करके लिखा हुआ है तो आपने इसमें देखा भैया कुछ प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो इस वाली प्रॉपर्टी में जो आपको ई e वैल्यू दे रखी है वो वाली ई वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं पहला तरीका कि इस वाली ई वाली वैल्यू को नेगेटिव बना लो यानी कि रेसिप्रोकल प्रोकल करके नेगेटिव बना के फिर सोल्व करो दूसरा तरीका कि ई पावर जो लिखा हुआ है उसको टी मान लिया जाए टी मानेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा तो दो तरीके हैं जो सा आपको सही लगे वैसे आप कर लेना क्योंकि अब ये पॉजिटिव पावर का क्वेश्चन है तो हम ये वाली वैल्यू को पूरी डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं ठीक है मेथड नंबर वन में इसको अपन टी ले लेते हैं तो मेथड नंबर वन में टी लेंगे तो एडिंग में बी इंटू ई पावर सी एक्स है इसको हम टी ले रहे हैं ए का डेरिवेटिव करेंगे जीरो होगा बी सेम रहेगा ई पावर सी एक्स ऐसे होगा ठीक है और साथ में सी एक्स का डेरिवेटिव सी होगा और टी का डेरिवेटिव डी टी के डिनोमिनेटर में डी एक्स होगा ठीक है आपके पास रिमेनिंग रहेगा सी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ई पावर सी एक्स इनटू में डी और इक्वल टू में डी ठीक है क्या आप ये सी ये वाली वैल्यू को रिमूव कर सकते हो कुछ करके बताओ यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें इधर से ठीक है ना अगर इधर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो बनेगा p इन में ई सी इक्वल टू में t माइनस ए और फिर ई सी एक्स में t में a अपॉन में b तो आपके पास वैल्यू बनेगी c मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में नोट करेंगे टी माइनस में ए के डिनोमिनेटर में बी के साथ में डी एक्स और इक्वल टू में डी टी ये बी और बी कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया सी मल्टीप्लाई बाय टी माइनस ए इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी तो डी एक्स का जो टोटल वैल्यू है वो डी टी के डिनोमिनेटर में सी इंटू में टी माइनस में ए है ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू पूरी प्रॉपर नोट करते हैं तो ये बनेगा भैया इसके आगे बनेगा ये इंटीग्रेशन ऊपर तो वन है तो वन ही रहेगा डिनोमिनेटर में इसको t माना था तो ये t है साथ में ठीक है जो dx का वैल्यू है वो ये है तो यहाँ पे हमने dt लिख दिया और जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख देते हैं c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय t माइनस में a आगे नोट करेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन वन डिवाइड सी आगे तो वन डिवाइड बाय टी के साथ में है आपके पास टी माइनस ए ठीक है भाई टी के साथ में टी माइनस ए डी टी या आपके पास वैल्यू आ गई अब दोबारा से आपके पास दो तरीके हैं या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन मान लिया जाए या फिर इन दोनों फैक्टर को माइनस करने पे जो आंसर बनेगा उसको ऊपर से मैच करवा के सोल्व कर लिया जाए तो मेरे को लगता है कि सेकंड मेथड तो आप इसमें समझ नहीं पाओगे ज़्यादा सही तरीके से आप इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो यानी कि आप इसको लेट कर लो वन के डिनोमिनेटर में जो टी है टी के साथ में टी माइनस ए है ये इक्वल है कैपिटल ए अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर तो ए अपॉन में टी और सेकंड में ये वाला फैक्टर तो बी के अपॉन में टी माइनस में ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए के साथ में आएगा टी माइनस ए और बी के साथ में आएगा टी डिनोमिनेटर में टी के साथ में टी माइनस ए यहाँ पे वन के डिनोमिनेटर में टी के साथ में टी माइनस में ए ठीक है अभी दोनों डिनोमिनेटर हट जाएंगे तो ए के साथ में टी माइनस ए है एडिंग में बी इन टू में टी है इक्वल टू में वन है आपको दो वैल्यू चाहिए जहाँ पे बारी बारी करके ही दोनों जीरो हो जाएं तो उनमें से एक वैल्यू होगा टी इक्वल टू जीरो और एक वैल्यू होगा टी इक्वल टू में ए अगर आपको वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होती है तो इसको जीरो कर दो टी इक्वल टू में जीरो आ गया यहाँ पे नोट कर दिया इसको जीरो कर दो टी माइनस ए इक्वल टू में जीरो तो टी का वैल्यू ए हो गया इसको नोट कर दिया ठीक है अब अगर टी की वैल्यू जीरो है तो ये वाली तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको लिखना है बस टी जीरो है टी जीरो है तो ए के साथ में माइनस में ए है और इक्वल टू में वन है यानी कि जो ए का आंसर है ये माइनस वन अपॉन ए है अगर टी की वैल्यू ए है तो ये वाला वैल्यू जीरो है ये रिमेनिंग है तो बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ए की वैल्यू वन है यानी कि कैपिटल बी का वैल्यू वन अपॉन में ए है ठीक है भाई ये बात समझ पाए आप आंसर कितना आया है ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है तो अब आप इसको यहाँ पे सबस्टिट्यूट करो ये बनेगा वन डिनोमिनेटर में टी के साथ में टी माइनस ए है ये वैल्यू इक्वल है ए अपॉन टी तो ए है माइनस वन अपॉन में ए डिनोमिनेटर में टी है फिर इसके एडिशन में बी वैल्यू बी वैल्यू है वन डिवाइड बाई ए के डिनोमिनेटर में टी माइनस में ए ठीक है इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे डी टी लगा दिया इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे भी डी टी लगा दिया इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे भी डी लगा दिया ठीक है ये वाला इक्वल टू में क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे आई वगैरह कुछ नहीं माना तो बस ये इक्वल टू में माइनस में वन अपॉन ए आगे साथ में लोगरिदम ऑफ टी हो जाएगा इसमें भी वन अपॉन ए आगे और साथ में लोगरिदम ऑफ टी माइनस ए हो जाएगा यहाँ तक कहीं कोई डाउट किसी को और क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रेशन है तो यहीं पर आप एडिंग में के कर देंगे अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे नोटिस करो ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू में जो वन बाय वो सेम है तो ये बनेगा वन बाय ए के साथ में लोगेरिदम प्रॉपर्टी आती है एम अपॉन एन एम होता है पॉजिटिव एन होता है नेगेटिव तो पॉजिटिव ये यह है यहाँ पे तो लॉग ऑफ टी माइनस ए के डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू आएगा टी मोड क्लोज करेंगे एडिंग में क्या करेंगे तो भाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये है लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना था इस वाली टोटल वैल्यू का जिसके आगे वन बाई सी भी लगा हुआ है तो आप लिखेंगे नाउ ठीक है नाउ इंटीग्रेशन आगे वन बाई सी है इसको ऐसे लिख देना नाउ एरो करके ऐसे नाउ वन बाई सी इंटीग्रेशन वन के डिनोमिनेटर में टी के साथ में जो टी माइनस ए डी टी है इसका जो आंसर है ये 1 बाय c के साथ में ये वाला वैल्यू है तो 1 बाय c के साथ में 1 बाय a के साथ में लोगारिथम अंडर मोड t माइनस a के डिनोमिनेटर में t मोड क्लोज एडिंग के तो आपका आंसर बनेगा ये 1 अपॉन में a c के साथ में लोगारिथम अंडर मोड t माइनस a के डिनोमिनेटर में t मोड क्लोज एडिंग के अभी ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे टी सब्सिट्यूट करना है ये वाला वैल्यू सब्सिट्यूट करना है तो अगर आप इसको सब्सिट्यूट करोगे ठीक है इसको सब्सिट्यूट करोगे तो ये वाली जो टी माइनस ए है टी माइनस ए की जगह पे इसको नोट करेंगे बी इन टू में ई सी एक्स ठीक है ना इसको नोट कैसे करें अपन इसको नोट कैसे करें इसको हम ऐसे लिखते हैं इसको कॉपी करता हूँ मैं ठीक है मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे लिखते हैं हेंस ठीक है हेंस इंटीग्रेशन वन के डिनोमिनेटर में ए है एडिंग में बी इनटू में ई सी एक्स डी जो है इसका आंसर क्या बनेगा तो इसका आंसर बनेगा वन डिवाइड बाय ए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो वन बाय ए के साथ में लोगेरिदम अंडर मोड जो टी माइनस ए है उसकी जगह पे ये लिखना है बी ई सी एक्स तो बी ई सी एक्स आ गया डिनोमिनेटर में इंटू टी है तो टी की जगह पे यह या आएगा यानी कि ए एडिंग में बी ई सी एक्स मोड क्लोज करेंगे एडिंग के करेंगे दिस इज आंसर ठीक है भैया समझो जरा इस बात को ठीक है इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी का यूज किया गया है इसकी जगह पर मैं आपको दो क्वेश्चन लिख के देता हूँ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी ठीक है देखो पहला क्वेश्चन तो इसी के होमवर्क में करना पहला क्वेश्चन तो ऐसा है इंटीग्रेशन वन के डिनोमिनेटर में वन प्लस में e X. में में ठीक है ना के अपॉन प्लस अब इसमें आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि भैया जो माइनस एक्स है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेंगे सेकंड वाला है वन के डिनोमिनेटर में वन प्लस में ई पावर एक्स ऑफ डी एक्स इसको करने के दो तरीके हैं आईधर इसको नेगेटिव पावर में लेके जाओ या फिर जो मैंने पहले अभी किया था वैसे करो तो ये वाले दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी ठीक है जो हमने आपको भी करवाया था वहाँ पे यहाँ पे ए था इसके आगे बी था इसके आगे सी था लेकिन ये एकदम सिंपल है वन प्लस ई एक्स आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन करोगे अपने आप कर लोगे दोनों ठीक है ना पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर वन के डिनोमिनेटर में एक्स में एडिशन है रूट ऑफ एक्स ठीक है जी वन का डिवीजन है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स ए इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं पहला तरीका है कि यहां से रूट को हटा दो रूट को हटाने के लिए रूट वैल्यू को हटाने के लिए टी एक्स पावर को टी की पावर टू एज्यूम कर लो मेथड नंबर वन ठीक है मेथड नंबर वन क्या कहता है भाई इस रूट को हटाओ यहाँ से रूट को हटाना है तो रूट ऑफ एक्स को टी मान लो रूट इधर आके ट्रांसफर होके टी स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू में टी स्क्वायर अब इसका डेरिवेटिव करके देखो आंसर क्या बनता है एक्स का डेरिवेटिव वन होगा टी स्क्वायर में पहले आगे टू टी होगा और फिर यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स होगा तो यानी कि जो डी एक्स का आंसर है ये टू इंटू में टी में डी टी बनेगा ठीक है आपका ये वैल्यू चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन वन के डिनोमिनेटर में ये जो x है इस x की जगह पे टी स्क्र आएगा तो यहाँ पे हमने टी स्क्वायेयर लिख दिया जो रूट एक्स है रूट एक्स की जगह पे टी आएगा तो एडिशन में टी कर दिया जो डी एक्स है डी एक्स की ये वाली वैल्यू है तो टू इंटू में टी इंटू में डी टी है यहाँ से टी कॉमन आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ टू टी है टू टी के डिनोमिनेटर में टी कॉमन करा रिमेनिंग है टी प्लस वन और यहाँ पे डी टी ये दोनों टी कैंसिल हो गए तो बना है 2 अपॉन में टी 1 ठीक है 2 t 1 dt तो t 1 का आंसर logरिदम में होता है तो logरिदम अंडर मोड t 1 एडिशन में c और ये 2 सेम रहेगा आपका आंसर बन गया है 2 के साथ में logरिदम t की वैल्यू जो है वो √x है तो √x एडिशन 1 ऑफ c ठीक है ये आपको समझ आ गई बात मेथड नंबर वन में हमने रूट को हटा दिया ठीक है वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स है तो रूट एक्स को हटा दिया रूट एक्स को हमने टी ले लिया इसी का मेथड नंबर टू मेथड नंबर टू कहता है आपको भाई ये वाला जो एक्स है इसको रूट एक्स कर सकते हैं ना वन डिनोमिनेटर में रूट एक्स और साथ में रूट एक्स और फिर ये वाला रूट एक्स तो सेम है ही है और यहाँ पे डी है अब इनको ध्यान से देखेंगे रूटेक्स कॉमन आएगा तो वन के डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन कर लिया यहाँ पे रूट एक्स एडिंग वन आ गया ये डीएक्स आ गया अब यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है इसको टी ले लिया जाएगा तो रूट एक्सिंग टू में टी ले लिया x का x, का डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो में 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 ठीक है तो रूटिव डी टी के डिनोमिनेटर में डी एक्स यानी कि डीएक्स का जो आंसर है वो टू इन टू में रूटेक्स इंटू में डी टी है ठीक है ना अब आप यहाँ पे लिखोगे भाई इंटीग्रेशन वन के डिनोमिनेटर में ये सेम रहेगा रूट एक्स ब्रैकेट वाला वैल्यू टी है ये वाला वैल्यू सॉरी ये यहाँ पे है। ये वाला वैल्यू टी माना हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू ये है 2 में, माना था रूट एक्स एडिंग वन क्लोज एडिंग सी ये इसका आंसर हो गया तो क्वेश्चन को करने के दो मैथड है चाहे आप वैसे करो चाहे आप ऐसे करो ये बाई चांस है दो अलग-अलग मेथड से आंसर सेम आ गया हर बार ऐसा होता नहीं है अलग-अलग मेथड अप्लाई करने से आंसर अलग आते हैं तो क्या आपको कोई बात समझ आ रही हैं बताइए यस और नो तो अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो इसी के जैसा एक होमवर्क क्वेश्चन करना आप ठीक है होमवर्क है dx dx -एक्स। -एक्स के डिनोमिनेटर में x में √x जैसे ये वाला प्लस था यहां पे माइनस है योर चॉइस मेथड 1 से करो मेथड 2 से करो एक इनके जैसा ही क्वेश्चन ये है कैपी ये एक्स के डिनोमिनेटर में वन प्लस में रूट एक्स हमने जो अभी क्वेश्चन करे उसके न्यूमिनेटर में वन था और यहाँ पे ऐसे है ठीक है ना यहाँ पे ऐसे है जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में से आप इधर से वैल्यू में से रूट एक्स कॉमन कर पा रहे थे जो मैथड नंबर टू किया था लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ से आप रूट एक्स कॉमन नहीं कर पाओगे ठीक है कॉमन तो आ जाएगा लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेने की जरूरत नहीं है मैथड नंबर वन अप्लाई कर दो रूट एक्स को टी ले लो ठीक है ये जो रूट एक्स है इसको टी कर लो जो रूट एक्स है इसको हम टी मानेंगे तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी टी पावर टू तो x की वैल्यू t पावर टू तो है तो x का डेरिवेटिव वन है ये आपका टू टी है और साथ में dt टी अपॉन डी है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx का आंसर आएगा टू इंटू में t इन टू में डी टी ठीक है आगे आप सोल्व करेंगे भाई जो वैल्यू एक्स है वो टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में वन सेम रहेगा एडिंग जो रूट एक्स है वो टी है इंटीग्रेशन करना है अब आप मुझे सोच के बताइए इसमें क्या न्यूमिनेटर पावर डिनोमिनेटर पावर से बड़ा है और अगर बड़ा है तो उसको छोटा करो डिवाइड करके ठीक है ना अगर बड़ा है तो उसको डिवाइड करके छोटा करो तो टी पावर टू है टी पावर टू को डिवाइड कर देंगे टी प्लस वन से यहाँ पे टी आएगा ये बन जाएगा टी पावर टू यहाँ पे टी माइनस साइन आएंगे ये कैंसिल तो रिमेनिंग रह गया माइनस टी है मेरे भाई आ, 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 रुको फिर मैंने मिस्टेक कर दी क्या डी एक्स की वैल्यू ये वाले मैंने एक्स की वैल्यू नोट करी वन को सेम करा रूट एक्स का वैल्यू लिखा डी एक्स अच्छा डी एक्स का वैल्यू ये है डी एक्स का वैल्यू डी टी इंटू में टू टी है तो अब तो ये टी क्यूब हो गया थोड़ा मिस्टेक हो गया इधर सही करेंगे इसको ठीक है ना क्या आएगा यहाँ पे टू इंटू टी पावर थ्री आएगा टू इंटू टी पावर थ्री इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में टी प्लस में वन और यहाँ पे है डी टी लेकिन ऐसे में भी तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिग्री बड़ी है तो उस डिग्री को छोटा करो ठीक है ना एक बार दोबारा चेक कर दूं सही है ये रूट एक्स को टी करा रूट यहाँ पे गया इसका डेरिवेटिव वन इसका टू टी साथ में डी टी बाई डी एक्स डी एक्स इधर आ गया टू टी डी टी डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर वन सेम है रूट एक्स टी है इनको मल्टीप्लाई कर दिया टू टी क्यूब सही है अब इसको डिवाइड कर दो टू टी क्यूब है टू टी क्यूब को डिवाइड करना है टी प्लस वन से तो सबसे पहले आपके पास टू इंटू में टी स्क्र आएगा टू इंटू में टी के बाद यहाँ पे आप इसको लिखेंगे भैया ये है टू टी पावर थ्री इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू में टी पावर टू साइन चेंज माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया रिमेनिंग है माइनस में टू इंटू में टी स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस में टू इंटू टी आएगा तो माइनस में टू इंटू में टी पावर टू इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में टू इंटू में टी साइन चेंज करेंगे प्लस और प्लस होगा ये कैंसिल हो गया रिमेनिंग रहेगा टू इंटू टी ये दोनों की डिग्री सेम है डिवाइड तब तक करते हैं जब तक डिग्री इस इसका डिग्री इसके डिग्री से बड़ा ना हो जाए लेकिन अभी डिग्री सेम है तो आगे डिवाइड करेंगे और टू टी को टी से डिवाइड करेंगे तो टू आएगा तो यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे ये है टू टी और टू टी के एडिशन में टू ठीक है टू टी के एडिशन में टू लेकिन साइन चेंज कर देंगे तो साइन चेंज करने पर माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया रिमाइंडर वैल्यू आ गई माइनस में टू अभी हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन करा था जहाँ पे रिमाइंडर जीरो था इस क्वेश्चन का रिमाइंडर माइनस में टू है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको आगे नोट करेंगे बनेगा इंटीग्रेशन सबसे पहले आएगा टू इंटू में टी पावर टू माइनस में टू इंटू में टी प्लस में टू फिर रिमाइंडर आएगा जो कि है माइनस टू और फिर डिनोमिनेटर में टी प्लस में वन और यहाँ पे ऐसे करके डी टी अब इसको सॉल्व करना है तो भाई टी पावर टू को सोल्व करेंगे तो बनेगा टी पावर थ्री के डिनोमिनेटर में थ्री और यहाँ पे टू सेम इसको सोल्व करेंगे तो पावर ये टी स्क्ट आएगा तो माइनस में टू इंटू में टी स्क् टू को सोल्व करेंगे तो टू इंटू में टी आएगा इसको करेंगे तो माइनस टू के साथ में लॉग आएगा अंडर मोड में टी प्लस वन आएगा और एडिशन में सी आएगा ठीक है इसमें जो कटपिट होता है कटपिट करेंगे और टी का वैल्यू पुट करेंगे पहले है टी पावर थ्री टी पावर थ्री का मतलब है इस वाले रूट की पावर थ्री तो रूट एक्स की पावर थ्री का मतलब है रूट को तीन बार मल्टीप्लाई करना है रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू में रूट एक्स ये दोनों रूट कैंसिल तो हो रूट बनेगा तो ये बनेगा टू इंटू में एक्स इंटू में रूट एक्स के डिनोमिनेटर में थ्री माइनस टी है टी स्क्वेयर तो यह ना टी की वैल्यू एक्स है तो माइनस में एक्स आ गया एडिशन टी की वैल्यू रूट एक्स है तो प्लस में टू इंटू रूट एक्स है माइनस में टू में लॉग है और टी की वैल्यू सिंपल सी रूट है तो एडिशन क्लोज एडिंग सी दिस इज द आंसर इज देर एनी डाउट ठीक है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेथड नंबर वन से होगा यहाँ पे मेथड नंबर टू अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में से कॉमन नहीं आ रहा समझ पा रहे हो आप बात या नहीं समझ पा रहे यस और नो उसके बाद क्वेश्चन दिया आपको वन अपॉन ठीक है वन यानी कि सिंपल डी एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स पावर टू है इसके साथ में एक्स पावर फोर है एडिंग वन है और टोटल पावर थ्री बाय फोर है ठीक है ऐसे लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको फीलिंग आ रही है कि जो ये वाली वैल्यू है इसमें से x पावर फोर को कॉमन करना पड़ेगा राइट <coughs> इसमें से हमें x पावर फोर को कॉमन करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx है dx के डिनोमिनेटर में ये सेम रहेगा x पावर टू यहाँ से x पावर फोर कॉमन करना है तो हमने x पावर फोर को कॉमन कर लिया लेकिन ये चलो कॉमन कर लिया तो ये तो कॉमन आ गया वन हो गया ये वाला एडिशन आ गया अब यहाँ पे तो एक्स पावर फोर है ही नहीं सिंपल सा वन है तो पावर नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे एक्स पावर फोर से याद है आपको जो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता वो डिवाइड हो जाता है ये ब्रैकेट हमने क्लोज करा कॉमन किया हुआ ब्रैकेट क्लोज करा फिर डबल ब्रैकेट क्लोज करा और पावर पे थ्री बाय फोर लगा दिया ये इस तरीके से होगा ये जो पावर थ्री बाय फोर है इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा तो इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के डिनोमिनेटर में ये सेम रहेगा x पावर टू इसके बाद में आएगा x पावर पावर की टोटल पावर है थ्री फोर, और फिर ये अगले वाला ब्रैकेट प्लस में वन में अपॉन x पावर फोर की टोटल पावर थ्री अपॉन फोर इसको सॉल्व कर सकते हैं फोर फोर कैंसिल होगा और थ्री रिमेनिंग होगा थ्री वाला और टू वाला फाइव हो जाएगा तो बनेगा भैया ये dx के डिनोमिनेटर में x पावर फाइव है और साथ में वन प्लस में वन अपॉन में एक्स पावर फोर की टोटल पावर थ्री अपॉन फोर है आगे की कहानी आप समझ गए हैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे हम टी मानेंगे राइट ब्रैकेट वैल्यू को हम टी एज्यूम करेंगे तो वन प्लस में वन अपॉन एक्स पावर फोर को हम मानेंगे ये टी है वन का डेरिवेटिव करेंगे जीरो होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा इसका डेरिवेटिव होगा माइनस फोर के डिनोमिनेटर में एक्स पावर फाइव और इक्वल टू में टी का डेरिवेटिव डी टी अपन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी एक्स पावर माइनस में एक्स पावर फाइव इन टू में डी टी के डिनोमिनेटर में फोर जरा समझो एक बार यहाँ तक तो बात समझ पा रहे हो डेरिवेटिव वगैरह सब समझ आ गया आपको <laughs> तो अगर बातें समझ आ गई हैं तो अब यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं भाई इंटीग्रेशन है डी एक्स की वैल्यू है माइनस में एक्स पावर फाइव ठीक है माइनस एक्स पावर फाइव डिवाइड बाय फोर ऑफ डी टी के डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे एक्स पावर फाइव है एक्स पावर फाइव के साथ में ब्रैकेट वैल्यू टी है और टी की टोटल पावर पे थ्री बाय फोर है ये पावर फाइव पावर फाइव कैंसिल वन बाय फोर को आगे करेंगे तो टोटल माइनस वन बाय फोर है इंटीग्रेशन डी टी के डिनोमिनेटर में टी की टोटल पावर थ्री बाय फोर है अब जो टी की टोटल पावर थ्री बाय फोर है वो नेगेटिव पावर में जाएगा तो माइनस थ्री बाय फोर होगा माइनस थ्री बाय फोर में प्लस वन करेंगे तो वन बाय फोर होगा वन बाय फोर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ओनली फोर तो वन बाय फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर और इसके साथ में टी की पावर वन बाय फोर और एडिंग में सी फोर कैंसिल हो गया आंसर बना माइनस में टी की वैल्यू जो है उसको नोट करेंगे तो माइनस में वन प्लस में डिवाइड बाय पावर की टोटल पावर वन डिवाइड बाय फोर और एडिशन सी क्या आपको एक कहानी समझ आ गई है बताइए यस और नो ठीक है ना भाई हाईएस्ट पावर को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं सिमिलर वे में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वन अपॉन एक्स पावर थ्री वन डिवाइड बाय एक्स पावर थ्री के साथ में एक्स पावर फाइव एडिशन वन की टोटल पावर है थ्री बाय फाइव ठीक है थ्री बाई फाइव ऐसे करके दिया हुआ है तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही ये लिखा हुआ है सही बात है ना जैसे ये था वैसे ये है तो यहाँ पे अब ब्रैकेट में एक्स पावर फाइव है तो उसको कॉमन करेंगे तो भाई इंटीग्रेशन वन के डिनोमिनेटर में एक्स पावर थ्री है यहाँ पे आप इसको डी एक्स कर लो इसको भी डीएक्स कर दो एक्स पावर थ्री है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करा एक्स पावर फाइव को ब्रैकेट के साथ कॉमन करा फिर ब्रैकेट में वन आ गया यहाँ पे एक्स पावर फाइव नहीं है तो एडिशन वन के डिनोमिनेटर में एक्स पावर फाइव आएगा ब्रैकेट क्लोज करेंगे डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे पावर थ्री बाई फाइव लगाएंगे ठीक है एक्चुअली मुझे लग रहा है ब्रैकेट में गलत लगा रहा हूँ ये एक ब्रैकेट क्लोज करा ये वाला दूसरा ब्रैकेट क्लोज करा तीसरा क्लोज नहीं करा तो तीसरा क्लोज नहीं, तो नहीं करा तो तीसरा ऐसे क्लोज होगा ठीक है यहाँ पर भी बल्कि तीसरे ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है इसे हटा दो इधर से ठीक है ना ऐसे है ये यह, बस यहाँ से एक्स पावर फाइव कॉमन कर लिया और बाकी बिल्कुल सेम टू सेम नोट कर दिया ठीक है ये वाला पहला ब्रैकेट ये वाला दूसरा ब्रैकेट आगे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अभी जो थ्री बाय फाइव है यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स पावर थ्री सेम है मल्टीप्लाई एक्स पावर फाइव की टोटल पावर थ्री बाय फाइव हो जाएगा मल्टीप्लाई वन प्लस में वन अपॉन में एक्स पावर फाइव की टोटल पावर है थ्री अपॉन फाइव फाइव और फाइव कैंसिल करेंगे थ्री होगा थ्री और थ्री को ऐड करेंगे तो सिक्स होगा तो डी एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स पावर सिक्स है साथ में वन प्लस में वन अपॉन में एक्स पावर फाइव की टोटल पावर थ्री बाय फाइव है इस वाले ब्रैकेट को टी मानेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगा वन प्लस में वन डिवाइड बाई एक्स पावर फाइव की टोटल वैल्यू टी है वन का डेरिवेटिव जीरो है इसका डेरिवेटिव माइनस फाइव के डिनोमिनेटर में एक्स पावर सिक्स है और इक्वल टू में आएगा डी टी के डिनोमिनेटर में डी एक्स ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स पावर सिक्स इंटू में डी टी के डिनोमिनेटर में फाइव अब आप यहाँ पे इसको नोट करेंगे ये वाला बनेगा भाई वैल्यू डी एक्स है डी एक्स की जगह पे माइनस में ठीक है ना डी एक्स की जगह पे माइनस में एक्स पावर सिक्स के डिनोमिनेटर में फाइव और डी टी है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में एक्स पावर सिक्स सेम टू सेम रहेगा फिर ये वाली वैल्यू का आपने टी माना हुआ है टी की टोटल पावर है थ्री बाई फाइव या आपका इंटीग्रेशन x पावर सिक्स को कैंसिल कर देंगे तो x पावर सिक्स x पावर सिक्स कैंसिल ठीक है वन बाय फाइव आगे कर लेंगे माइनस में वन बाय फाइव इंटीग्रेशन वन के डिनिनेटर में t की टोटल पावर है थ्री बाय फाइव ऑफ डी टी तो थ्री बाय फाइव जो है वो ऊपर जाके माइनस होगा माइनस थ्री बाय फाइव में प्लस वन करेंगे तो टू बाई फाइव बनेगा और पॉजिटिव टू बाई फाइव बनेगा तो यहाँ पे लिख दिया हमने t की पावर टू बाई फाइव रेस्यू करेंगे तो फाइव बाई टू आएगा और साथ में माइनस में वन बाय फाइव सेम है और एडिंग में c होगा फाइव फाइव कैंसिल हो गया आंसर बना में वन टू। टी का वैल्यू हमने वापस नोट कर दिया वन प्लस में वन डिवाइड बाय x की टोटल पावर फाइव की टोटल पावर टू बाय फाइव एडिंग में c दिस इज द आंसर ठीक है कहीं कोई इशू किसी को बताइए यस और नो तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ ठीक है ये वाला आप होमवर्क करना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स पावर फोर माइनस एक्स की टोटल पावर है एक्स पावर फोर माइनस एक्स की टोटल पावर है वन फोर, इसके डिनोमिनेटर में है एक्स पावर फाइव और ऐसे है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे एक्स पावर फोर को कॉमन करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर यह सब किया है बिल्कुल सेम करना है आपको यह वाला आप अपने आप से ट्राई करना आगे बढ़ जाए हटा दें सब कुछ ठीक है अभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स की पावर है डिनोमिनेटर में 1 में एडिंग है एक्स की पावर थ्री अपॉन फोर और यहाँ पे है डी एक्स ठीक है ऐसे करके दिया हुआ है तो आप बस ये देखो इसके अंदर कि हम ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं इन फ्रैक्शन वैल्यूज को हटाएं कैसे फ्रैक्शन वैल्यू हट जानी चाहिए ठीक है ना फ्रैक्शन वैल्यू हट जानी चाहिए तो आपको दिया हुआ है एक्स की पावर पे वन बाय टू और साथ में दिया हुआ है एक्स की पावर पे थ्री अपॉन फोर तो हमें इन फ्रैक्शंस को हटाना है फ्रैक्शंस को हटाने के लिए क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को एज्यूम कर देंगे टी की टोटल पावर पे एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ टू एंड फोर तो एलसीएम कितना आता है टू और फोर का फोर आता है यानी कि आप एज्यूम करेंगे एक्स इक्वल टू में टी की पावर फोर जैसे ही x की वैल्यू t की पावर फोर होगा तो यहाँ फ्रैक्शन हटा देंगे यहाँ पे भी आप इसको लिख दोगे t की पावर फोर ये बी इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी फ्रैक्शन हटा देगी तो ये ध्यान रखना इस तरीके से ठीक है अगर ऊपर भी फ्रैक्शन है यहाँ पे भी फ्रैक्शन है तो LCM ले लेना टी की पावर का एल्शियम लेना है डिनोमिनेटर वैल्यूज का कल को तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना ऐसे करके x की पावर है थ्री डिवाइड बाय फोर इसके डिनोमिनेटर में वन में एडिंग है x की पावर पे थ्री डिनोमिनेटर में सिक्सटीन तो क्या करेंगे ये वाला फोर है ये वाला सिक्सटीन है तो आप x की वैल्यू को मानेंगे t की टोटल पावर पे एल्सियम ऑफ फोर एंड सिक्सटीन ठीक है एल्सियम ऑफ फोर एंड सिक्सटीन यानी कि x की वैल्यू क्या मानेंगे t की पावर पे सिक्सटीन मान लेंगे ठीक है कल को ऐसे भी आ सकता है एक्स की पावर पे वन बाय टू है डिनोमिनेटर में वन में एडिंग में एक्स की पावर वन बाय थ्री है तो एक वैल्यू टू है एक वैल्यू थ्री है तो एक्स वैल्यू को मान लेंगे टी की पावर पे एल्शियम ऑफ एल्शियम ऑफ टू एंड थ्री टू और थ्री का एल्शियम कितना होता है सिक्स होता है तो X, X की वैल्यू को मान लेंगे टी पावर सिक्स क्या आपको ये स्टोरी समझ आ गई है बताइए येस और नो समझ गए हो ना तो बस अब अपने इस वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं ठीक है इस वाले क्वेश्चन वापस आते हैं आपको ये पता चला कि हम इसके अंदर एज्यूम करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो टी पावर फोर है तो वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो टी पावर फोर है ठीक है तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वन होगा फोर का डेरिवेटिव करेंगे फोर इंटू में टी पावर थ्री होगा और साथ में डी टी के डिनोमिनेटर में डी एक्स होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स आएगा इक्वल टू में फोर इंटू में टी पावर थ्री के साथ में डी टी होगा तो ये बनेगा यहाँ पे अब इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू पे लिख दिया हमने टी पावर फोर टी पावर फोर की टोटल पावर वन बाई टू डिनोमिनेटर में वन में एडिंग करेंगे x की वैल्यू पावर के साथ में थ्री बाय फोर ठीक है साथ में थ्री बाय फोर और डी एक्स की वैल्यू बन गई है फोर इंटू में टी पावर थ्री के साथ में डी टी ठीक है इस तरीके से करके वैल्यू फोर है फोर को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कट कटा के टू बना देंगे तो ये वाला आंसर बनेगा टी पावर टू ठीक है दिस इज टी पावर टू टी पावर टू के साथ में है फोर इंटू में टी पावर थ्री साथ में है डी टी डिनोमिनेटर में वन सेम रहेगा वन के एडिशन में इसको सोल्व करना है तो टी पावर फोर के साथ में थ्री बाय फोर है फोर फोर कैंसिल तो टी पावर थ्री रिमेनिंग रहेगा तो टी पावर थ्री ठीक है ऊपर के न्यूमिनेटर वैल्यूज को हम एडिंग कर देंगे बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी तो फोर इंटू में टी पावर फाइव के डिनोमिनेटर में इसको लिख देते हैं टी पावर थ्री एडिशन में वन जरा सोचिए और बताइए ऊपर वाला डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से बड़ा है ना और अगर वो बड़ा है तो उसको छोटा करो बड़ी वैल्यू को छोटा करो बड़ी वैल्यू को छोटा कैसे करेंगे बताइए डिवाइड करके तो फोर इंटू में टी पावर फाइव है और साथ में टी पावर थ्री एडिंग वन है सबसे पहले आप लिखेंगे फोर इंटू में टी पावर टू तो ये बन जाएगा आपके पास फोर इंटू में टी पावर फाइव और आगे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करेंगे माइनस में फोर इंटू में टी पावर टू ये भी माइनस है ये कैंसिल हो गया रिमेनिंग रह गया फोर इंटू में टी पावर टू ठीक है अभी फोर इंटू में टी पावर टू इसको आप आगे नोट करेंगे इंटीग्रेशन ये वाली मतलब टोटल जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा सबसे पहले फोर इंटू में टी पावर टू ये वाला क्वेश्चन नोट करा फिर इसके साथ में रिमाइंडर नोट करा फोर इंटू में टी पावर टू के डिनोमिनेटर में टी पावर थ्री एडिशन में वन की यहाँ पे आ गया डी टी ठीक है अब आगे बताइए कैसे करें इसका इंटीग्रेशन मालूम है आपको फोर इंटू में टी पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री ठीक है माइनस इसका इंटीग्रेशन कैसे करें क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आपको याद आया ऐसे वाला कुछ एफ डैश एक्स के डिनोमिनेटर में अगर एफ एक्स हो तो इसका आंसर क्या होता है लोगारिदम ऑफ लोगारिदम ऑफ एफ एक्स होता है याद आया आपको लोगारिदम ऑफ एफ एक्स होता है तो नाउ आप डिसाइड करो क्या कंप्लीट फैक्टर दिया हुआ है ऊपर बताइए भाई जो t पावर थ्री एडिंग वन है अगर आप इसका d बाई डी डी बाई डी टी करोगे तो बनेगा थ्री में टी पावर टू

इसका इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल सिंपल ऊपर दिया हुआ है तो आंसर बनेगा ये वाला तो आप लिखेंगे आंसर है टी पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस में फोर डिवाइड बाई थ्री के साथ में अंडर मोड पावर लोगेद्री एडिशन में वन मोड क्लोज एडिंग सी दिस इज द आंसर ठीक है ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है बस पता कर लो टी पावर थ्री क्या है ठीक है वट इज टी पावर थ्री आप यहाँ पे देखो आपके पास है एक्स की वैल्यू टी पावर फोर अगर वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो टी पावर फोर है तो वैल्यू टी जो है ये क्या है फोर यहाँ पे आके फ्रैक्शन पे आएगा तो एक्स की पावर वन बाई फोर है आपको टी पावर थ्री चाहिए क्यूबिंग बोथ साइड कर दो तो टी पावर थ्री इज इक्वल टू में एक्स की पावर वन बाय फोर और टोटल पावर थ्री यानी कि आंसर बनेगा एक्स की पावर पे थ्री अपॉन फोर ठीक है ना एक्स की पावर पे थ्री अपॉन फोर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री अपॉन फोर आएगा तो टी पावर थ्री की जगह पे इसे नोट कर दो

तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाए हैं जो कुछ कुछ ट्रिकी लेवल की कैटेगरी में आते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ आ गई हैं आ गई है ना